दोस्तों, कैसे हो आप लोग? पहले तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज यहाँ ऊपर के कमरे की पहली सुबह है, मैंने यहाँ दूध रखा हुआ है और चाय भी रखी है थोड़ा सा। आज मैं दूध जल्दी ले आई क्योंकि नीचे ऊपर करने में थोड़ा सेम समय लग रहा है, इसलिए मैंने नीचे गई थी तो मैंने कहा दूध भी लेके आ जाती हूँ। उसके बाद आज तो संडे है, आज छुट्टी है और मैंने कर दिया झाड़ू झूड़ू मार दिया थोड़ा। अब नाश्ता बनाती हूँ। और कल क्या था, कल चंद्र ग्रहण था तो थोड़ा नहाना धोना और वो कर रहे हैं, थोड़ा भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को, सबको निला रहे हैं नीचे। और मैं चाय बना रही हूँ, अभी चाय बना के नीचे ही ले जाती हूँ फिलहाल। और क्या कहते हैं, आप भी आ जाओ चाय पीने के लिए। देर से चाय पी रही हूँ क्योंकि चंद्र ग्रहण था तो बिना सफाई किए हुए, बिना वो किए हुए कुछ भी नहीं होता। तो नीचे पूजा चल रही है, आपको दिखाती हूँ नीचे क्या कर रहे हैं ये लोग। देखती हूँ, आज तो बादल भी लग गए यार, ठंडा हो गया मौसम, बादल लगे हुए हैं पूरे। चाय ले जा रही हूँ मैं नीचे। पहले मैंने दूध रखा हुआ है, क्या पता गैस फुल ना हो कहीं, जब तक मैं आती हूँ दूध सारा गिर जाएगा नीचे। मैं भूल गई कि तेज है गैस की, कम है। हाँ वैसे कम ही कर रखी थी मैंने, पर देखना ठीक रहता है। नीचे जाऊंगी तो टाइम लगेगा कहीं, वहां तो मैं भूल जाऊंगी। जाती हूँ नीचे, चलो नीचे मिलते हैं। री लाइट चली बोले या ऊपर अटपटा लग रहा है उसको। मेरे साथ नीचे गया तो काँव काँव कर रहा था मेरे को, मत जाके वहाँ। और एक ला रखा था इन्होंने ऊपर, वो हनी 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 तो क्या काट रहा है हैं? ये तो गत्ते काटने पे लगा हुआ होगा हैं? दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ स्टोर रूम बना रखा है। वो सामान बचा हुआ था जो भी मेटल मकान पे लगता है, लाइट पानी क्या 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 सब वहाँ स्टोर कर रखा है। अंदर ड्रेसिंग रूम है ऊपर का, तो वहाँ कर रखा है वो स्टोर। कभी काम आएगा कुछ तो वापस करने के लिए है अभी। और कुछ सब्जी बन गई, हरी सब्जी बना रखी है। आटा गूंथती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हो गया मेरा नाश्ता, अब मैं दिन की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही दिन में आज चौसा बनाऊँ। यह है कालीदार उड़द बोलते हैं जिसको, तो ये गांव की है। इसको मैं थोड़ी देर धूप में रखती हूँ और फिर इसको साफ करके पीसूंगी और फिर बनाऊंगी इसको आज। कभी कभी अच्छा लगता है, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। मेरे को दाल अच्छी नहीं लगती, दाल बेकार होती है। आज मैं हरी सब्जी और ये बनाऊंगी डोसा।
इसका काली दाल, जिसका जिसने भी खाना हो वो आ जाना, दिन में बात कर ले। दाल रख दी मैंने धूप में, और अब मैं थोड़ा हनी के लिए घास नहीं लाई, अभी उसके लिए घास लाना है मुझे, उसको थोड़ा घास दे दूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। हनी तो खैर खा भी लेता है, वो ऊपर आ रखा है, लेकिन जो गिनी पिग है, गिनी वो नीचे ही रहता है पिंजरे में, उसको थोड़ा घास लेके देती हूँ मैं नीचे से। बेचारा बोल रहा होगा कहाँ गए सारे। बनने लग गया मेरा खाना, चावल चढ़ा दिए चूल्हे में, शायद 1:30 बज गई होंगी, 2 बजने वाली होंगी, आज लेट हो गई। और अभी तक मैं लहसुन पे लगी हुई थी, ये लहसुन छिली थी मैंने थोड़ा सा अचार के लिए, तो इसलिए देर हो गई। अभी थोड़ी और बाकी है, ये तो पर कल की है, परसों की जो मैंने उस दिन छिली थी। जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बैठ जाती हूँ छिलने में, क्योंकि देर लगती है। आज जो परसों मैंने दिखाया था तुम लोगों को, मैं बता रही थी ना, ये धान इकट्ठा कर रखे थे, आज मनाई हो रही है उसकी, लगी हुई है। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जो परसों इकट्ठा की थी आज उसकी मनाई हो रही है, धान की लगे हुए हैं। कितने कट्टे हो रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कट्टे हो गए अभी। अब तो थोड़ा ही बाकी है शायद, अब तो ख़त्म हो गया, 8-9 कट्टे हो गए होंगे। ऐसे हमारे यहाँ तो जब हम थे घर में धान रहता था, हम पैरों से मान मान के उनके कीस होते हैं, पैरों पे बैठ जाते थे वो। है तो इसलिए टफी कौ 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 क्यों कर रहे थे, बाहर जाना है तो बाहर जा, अंदर जाना है तो अंदर जा, उसको अंदर भी नहीं जा, अकेले नहीं रहना, बाहर भी नहीं जाना। और आज बना रही मैं हरी सब्जी और चौंसी बना भात बना रही हूँ, आपको भी खाना है तो आ जाइए।